सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है पाकिस्तान टीम के बारे में, और यहाँ पे पाकिस्तान टीम जो है वो अपना आखिरी मैच खेलने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ। कौन सी प्लेइंग 11 खेलने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ और किस तरीके से पाकिस्तान अपना रन रेट अच्छा करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है वो इस टाइम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है तकरीबन, पर पाकिस्तान के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम को 287 रन से मैच हरा दे और दो ओवर के अंदर अंदर इंग्लैंड टीम को आउट कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, अपने रन रेट अच्छे कर सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को शुरू में ही होश ले लेना चाहिए था और उसी टाइम पे पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जस्ट लाइक अभी अफगानिस्तान की टीम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का कहना था कि पाकिस्तान टीम जो है वो इसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल रही है, शुरू टूर्नामेंट में अच्छा खेले पर दरमियान में आके बिल्कुल ही नीचे चले गए और अब दोबारा से फॉर्म में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंग्लैंड के मैच में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम इस मैच को बहुत अच्छे से जीत लेगी और इस वर्ल्ड कप को एक अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म करेगी और बेस्ट ऑफ लक कहा है उन्होंने फॉर नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के लिए। पर यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि MS धोनी ने काफ़ी मजाक उड़ाया पाकिस्तान टीम का और उन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहती है तो पहले बैटिंग करके 450 रन बनाए और उसके बाद उनको इंग्लैंड की टीम को ड्रेसिंग रूम में लॉक कर दे और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा होल सोल और उसके बाद पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम वर्ल्ड कप विन करेगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।